जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 9 बराबर बंटवारा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछला अध्याय अध्याय संख्या 8 में हमने गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। तो अध्याय 9 है हमारा बराबर बंटवारा। अब संख्या को बराबर बांटना, बराबर बांटने को भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। भाग किसे कहते हैं? संख्या को बराबर बांटना, बराबर बंटवारे को भाग कहते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, नीचे दी गई तालिका 1 व 2 में चित्रों को देखिए, गिनिए एवं बराबर से बराबर को मिलाइए। अब देखिए बच्चों, क्या करना है हमें, तालिका 1 और तालिका 2 दोनों में चित्र बने हुए हैं। देखिए, दोनों में समान चित्र हैं मगर ऊपर नीचे दे दिए हैं चित्रों को। अब जैसे बॉल, इसमें पहले नंबर पे बॉल डाल दी और इसमें चौथे नंबर पे बॉल दे दी है। अब हमें क्या करना है, तालिका को इन चित्रों को आपस में मिलान करना है संख्या गिन के। देखिए, सबसे पहले ए बॉल की संख्या कितनी है गिन के इन कॉलम्स में लिखनी है ना, और फिर हमें मिलान करना है। तो बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। बॉल की संख्या कितनी है, 7, तो कॉलम में लिख दी हमने 7। अब इसमें से 7 और संख्या कौन सी है वो हमें ढूंढ के लिखनी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं होगा, 7 संख्या होनी चाहिए, 7 को 7 से मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 है, नहीं ये भी मिलान नहीं होगा। तो अगली देखिए पत्तियाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या कितना है, पत्तियाँ कितनी है, 7 संख्या में। तो इस 7 को हम इस पत्तियों से मिला देंगे, ठीक है। तो ये बॉल 7 होगी संख्या में और पत्तियाँ भी 7 है संख्या में, तो आपस में मिलान हो गया। अब देखिए फूलों को, फूलों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फूल कितने हैं, 8। तो यहाँ कॉलम में हमने लिख दिया 8। अब इनमें से 8 संख्या की कौन सी वस्तु है, ये देखिए संतरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख देंगे कॉलम में 8। अब इस 8 को इस 8 से मिला दिया, ठीक है। अब पेंसिल, 1 2 3 4, कितनी है पेंसिल संख्या में, 4, तो कॉलम में हमने लिख दी 4। अब 4 को 4 संख्या से मिलाना है और 1 2 3 4, बॉल की संख्या कितनी है, 4, तो इस कॉलम को इस कॉलम से मिला दिया। अब है हमारे पास में संतरा, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इस सारणी में 5 संख्या की वस्तु कौन सी है, ग्लास है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस 5 को इस 5 से मिला दिया। अब अगली संख्या है पत्तियों की, 1 2 3 4 5 6, कितनी है संख्या में, ये 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब दूसरी सारणी में 6 संख्या की वस्तु कौन सी है, 8, ये तो ज़्यादा है, 7 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, ये तो ज़्यादा लग रही संख्या में, पेंसिल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, 6 को हम 6 से मिला देते हैं, ये देखिए। अब सेव, सेव की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सेव हैं। अब संख्या में ये ज़्यादा लग रहे हैं, ये तो कम लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इन सेव की संख्या भी 16 है और इनकी संख्या भी 16 है, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक वस्तु बच गई है, उसकी संख्या देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है संख्या ग्लासों की, 9। अब इनमें से 9 संख्या की वस्तु कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फूलों की संख्या कितनी है बच्चों, 9, तो हमें इस 9 को इस 9 से मिला देना है, ठीक है। तो ये देखिए, 7 को हमने 7 से मिला दिया, 8 को 8 से मिलान कर दिया, 4 को 4 से मिलान कर दिया, 5 को 5 से मिलान कर दिया, 6 को 6 से मिला दिया, 16 को 16 से और 9 को संख्या 9 से मिलान कर दिया है।
तो इसी प्रकार से आप भी घर पे मनपसंद चित्र बनाइए और मिलान कीजिए, ठीक है। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे।